नमस्कार। मुंबई में सीजन की पहली बारिश देखी गई, साथ ही तेज धूल भरी आधी भी चली, जिससे कि आज दोपहर 3 बजे के करीब आसपास आसमान में अंधेरा छा गया। बारिश से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में निवासियों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई जगह धूल भरी हवाओं में घिरा दिखा। आप सभी को बता दें, मौसम में अचानक बदलाव के कारण यातायात रुक गया। मुंबई के घाटकों पर बांद्रा कुर्ला धरावी इलाके में तेज हवाएं और बारिश भी देखने को मिली। अधिकारियों ने बताया कि देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक मुंबई हवाई अड्डे पर लैंडिंग और टेक ऑफ संचालन को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। मौसम कार्यालय ने एक अपडेट में बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान पालघर थाने जिलों में अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने और मध्य तीव्र बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलने की संभावना है। आप सभी को बता दें, आज तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में पेड़ गिर गए। मुंबई के पड़ोसी नवी मुंबई में अरौली सेक्टर 5 इलाके में एक व्यस्त सड़क पर एक पेड़ गिर गया। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन यातायात रुक गया। यात्रियों ने अपने वाहन सुरक्षित दूरी पर खड़े कर दिए। अचानक मौसम बदलने से कई जगह घटनाएं भी सामने आई है। कई जगह पर होल्डिंग पोस्टर गिरे हुए हैं। फिलहाल किसी भी तरह के यातायात साधनों में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देख रहे हैं इस वक्त की ताजा खबर। मुंबई महाराष्ट्र की सभी ताजा खबरें से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए SP ओवरहेड। थैंक यू।